गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होगी, आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे। अभी टाइम हो रहा है 7:10 इन द मॉर्निंग और अभी मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी। सो आप लोग बताना कि आप लोग भी लाइब्रेरी जाते हो या फिर घर पे पढ़ते हो। फ्रेंड्स, आज मैं आ गई हूँ जल्दी लाइब्रेरी और अभी तक तो कोई भी नहीं आया है। सो अपनी वाटर वाटर फिल करती हूँ, मैं यहीं पे समय रख के चली जाती हूँ। तो अभी सबसे पहले हम बनाएंगे आज का टारगेट और उसके बाद फिर अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, आज है 6th of April और अब हमारे पास सिर्फ 29 डेज लेफ्ट है, बहुत ही कम दिन है। सो चलो जल्दी से अपना टारगेट बनाते हैं। फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 7:24 और ये है आज का मेरा टारगेट, जिसमें मुझे बायो में इवोल्यूशन करना है और 11th की सेकेंड यूनिट रिवाइज करनी है, केम में मोल, एटॉमिक और इनऑर्गेनिक, फिजिक्स में 50 इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनमें से आज कोई 2 से 3 टॉपिक कंप्लीट करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। और हाँ, मुझे मॉक भी देना है आज। सो अभी मैंने स्टडी विथ मी सेशन ऑन कर लिया है और ये है मेरे इवोल्यूशन के नोट्स। काफ़ी मैंने डिटेल लेक्चर से बनाया था तो अभी इनको रिवाइज करने मुझे आराम से 25 मिनट्स लगेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, अब सिर्फ 1 month लेफ्ट है नीट के लिए और अभी हमें इस टाइम सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करने चाहिए। और आप लोग को तो पता है कि जो नीट का पेपर होता है वो ऑफलाइन बेस्ड होता है। सो ऑफलाइन की फील दिलाने के लिए दिशा पब्लिकेशन ने लॉन्च किया है 11 मॉक टेस्ट पेपर। इस बुक में आपको 11 मॉक टेस्ट पेपर मिलेंगे जो फुल्ली NCERT एंड न्यूली अपडेटेड सिलेबस पे बेस्ड होंगे। उसके साथ साथ आपको एडिशनल OMR शीट भी मिलेगी। फर्दर और क्विक रिविजन के लिए आपको फॉर्मूला शीट भी प्रोवाइड की जाएगी फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। एंड इसका जो डिटेल सॉल्यूशन होगा वो 100% एरर लेस होगा। एंड उसके साथ साथ आपको कट ऑफ मार्क्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड सेक्शन फर्स्ट कंटेन 35 क्वेश्चन इन ईच ऑफ द 4 पार्ट एंड आप लोग को वो सारे 35 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंड द बुक ऑल्सो प्रोवाइड द ट्रेंड एनालिसिस ऑफ लास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर। सो फ्रेंड, अगर आपको ये बुक परचेज करनी है तो इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, आप अभी जाके परचेज कर लो। सो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 8:15 और अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ शॉर्ट नोट रिवाइज करना। NCERT मैंने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मैंने अपने नोट्स रिवाइज किए और अभी मैं जा रही हूँ एक बार शॉर्ट नोट रिवाइज करना। ये शॉर्ट नोट्स रिवीजन के लिए बहुत अच्छे हैं, क्विक रिवीजन के लिए। तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी टेलीग्राम में सेंड कर दिया, टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन पे, वांस ज्वाइन कर लो मेरा टेलीग्राम चैनल एंड आप लोग सारे शॉर्ट नोट वहाँ डाउनलोड कर लो एंड डेली उसको रिवाइज किया करो। एटलीस्ट 1 यूनिट डेली ऐसे हैबिट में डालो, 1 यूनिट मुझे रोड रिवाइज करनी है, फिर नेक्स्ट डे 2nd यूनिट रिवाइज करनी है। और कितना ही टाइम लगता है यार, 1 घंटे में पूरा आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, 2nd यूनिट 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी, हर एक यूनिट आपकी 1-1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। अभी तो ऐसा टाइम है कि आपको पूरी बायोलॉजी 1 दिन में रिवाइज करनी चाहिए, बट उतना हमारे लिए पॉसिबल नहीं क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री भी देखनी है। इसीलिए आप 1-1 यूनिट टारगेट करो, हर दिन 1-1 यूनिट कंप्लीट करनी है। आप के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मुझे टेलीग्राम में, इतने सारे मैसेजेस रहते हैं कि दी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, क्या करें, सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा है। तो देखो यार, अब सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम नहीं है, अब आप टेस्ट दो और आपके जो वेटेड चैप्टर हैं उनको रिवाइज करो। आप मैराथन कर सकते हो, फुल डे केमिस्ट्री 1 दिन कंप्लीट कर लो, 11th के फिजिकल 1 दिन, इनऑर्गेनिक रिवाइज कर लो, ऑर्गेनिक रिवाइज कर लो। बट अगर आप ये ट्राई करोगे कि अभी मुझे हर दिन हर एक चैप्टर कंप्लीट करना है, सो आप लोग को भी पता है कि वो पॉसिबल नहीं है और उसके चक्कर में आप वेटेड चैप्टर को भी छोड़ दोगे। सो इससे बेटर है कि मैराथन स्टार्ट करो और मैराथन से ही अब पढ़ना स्टार्ट करो। केमिस्ट्री का 1 दिन मैराथन कंप्लीट करो, 1 दिन फिजिक्स का, 1 दिन बायो का, ऐसे कंप्लीट करोगे ना तो आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ कंप्लीट है मेरा। फिर PYQ सॉल्व करो क्योंकि PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप PYQ तो सॉल्व ही कर लो अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो। फिर मैंने शॉर्ट नोट्स रिवाइज किया ना, उसके बाद अभी मैं ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगी 2019 का। ये मेरा एक फुल मॉक टेस्ट या फिर बायो का फुल मॉक टेस्ट ही आप लोग समझ लो कि अभी मैं बायो का पोर्शन सॉल्व करूंगी। एंड फिर अभी मैं आज सोच रही हूँ कि मैं 11th की फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगी, तो अभी 3 दिन में मैं अपनी केमिस्ट्री मुझे कंप्लीट करनी है पूरी एक बार रिविजन मैराथन से। उसके बाद मैं केमिस्ट्री के भी फुल मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दूंगी। सो केमिस्ट्री और फिजिक्स के फुल स्टार्ट कर दिए, बचा मेरा बायो, उसको भी स्टार्ट करूंगी एंड आई थिंक 15th से मैं फुल मॉक टेस्ट पूरा स्टार्ट कर दूंगी।
फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस मेरे सॉल्व हो गए हैं, कुछ गलत भी हुए, कुछ मैंने स्किप किया, आई डोंट नो क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने इतने सारे पीवाई की भी सॉल्व कर लिए फिर भी वो क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा है या गलत हो रहा है बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक। तो ये सिली मिस्टेक ख़त्म होगी पता ही नहीं मुझे, बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक होती है। और अभी मैं एनालाइज़ कर रही हूँ कि कहाँ कहाँ कौन कौन से टॉपिक मेरे अभी भी वीक हैं। बायो मैं कितनी भी पढ़ लूँ बट मेरे कुछ ना कुछ वीक रह ही जाता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे बायो को अच्छे से कंप्लीट करूँ कि एक भी क्वेश्चन मेरे गलत ना हो। प्लीज़ आप लोग मुझे कोई एडवाइस दे देना, मतलब कुछ एडवाइस दे देना आप लोग मुझे भी। तो अभी मैंने अपना एनालिसिस कंप्लीट किया और फिर मैं गई थी नीचे शॉप से रफ़ लेने, क्योंकि अभी मुझे मोल कॉन्सेप्ट सॉल्व करने, मतलब जितने भी उत्थान के न्यू क्वेश्चंस हैं और अभी जो भी मैं रिवीजन करूँगी वो सारे मैं इस रफ़ वर्क में करूँगी। आपके पास एक सेपरेट कॉपी होनी चाहिए जिसमें आप हर चैप्टर के फॉर्मूले लिखे हो, हर चैप्टर के न्यू क्वेश्चंस लिखे हो, जो आपको एंड में रिवाइज करना है पी वाई की, जो आपसे नहीं बन रहे वो नोट डाउन कर लो, बिकॉज एंड में आप सब चीज़ नहीं पढ़ सकते। जब आपके पास 10 दिन बचेंगे ना तो ये सारी कंसाइज जो चीज़ें आप बना के रखोगे ना उसी से आप रिवीजन करोगे, बिकॉज बहुत कुछ होता है रिवीजन के लिए। सो बहुत कुछ रिवीजन हम नहीं कर पाते, उतना ही कर पाएंगे जो हमारे पास कंसाइज में होगा, मतलब कम होगा लेकिन उसमें डिटेलिंग ज़्यादा होगी। आप लोग पूछ रहे थे कि सॉल्ट एनालिसिस कहाँ से करें, तो यार देखो शायद प्रचंड बैच में सर ने करवाया है, पंकज सर ने, तो आप वहाँ से कर सकते हो सॉल्ट एनालिसिस वाला टॉपिक। एंड जितने भी आपके एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है उनको सर्च तो करो, थोड़ी मेहनत क्या करो यार, कॉमेंट करने से पहले थोड़ा सा मेहनत क्या करो, तब आपको पता चलेगा कि कितनी सारी चीज़ें अवेलेबल है ऑलरेडी यूट्यूब में कि आप वहाँ से कर सकते हो। कॉमेंट कर देते हो आप लोग, थोड़ा सा मेहनत नहीं करते हो यार, ऐसे थोड़ी ना होगा, थोड़ा सा मेहनत किया करो। एंड आप लोग को अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अगर आपका कंप्लीट हो गया सिलेबस, तो आप उत्थान बैच को फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, मैंने आप लोग को हर बार वीडियोज़ में बताया है। उत्थान बैच को फॉलो करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, सारे क्वेश्चन डिराइव्ड टाइप है, लाइक जो आपके पास्ट क्वेश्चन हैं ना उन्हीं से डिराइव्ड किए गए क्वेश्चन हैं, तो काफ़ी अच्छे हैं। अभी मैं जा रही हूँ घर लंच करने, एंड लंच करने के बाद मिलते हैं। फिर लंच करके मैं वापस आ गई थी और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था उत्थान से ही एटॉमिक के क्वेश्चन सॉल्व करना। मोल के मैं सॉल्व करके ही घर गई थी एंड अब एटॉमिक के सॉल्व कर रही हूँ। सो इसमें मैंने दोनों चैप्टर के सॉल्व कर लिए हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि आपका जब ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो या फिर आपको ना थोड़ा भी आइडिया हो तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्योंकि जब तक आप फॉर्मूला पढ़ोगे तो आपको नहीं लगेगा कि आप, कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। सो जब तक आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे डिफरेंट वेराइटीज़ के, सो नीट में अगर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप नहीं बनेगा या फिर बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। इसीलिए आप ना हर टॉपिक से एटलीस्ट 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करो ही डिफरेंट टाइप के, तब आपको समझ में आएगा कि कितना ईजी होता है। उसके बाद मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम की और अभी मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया है। सो ब्रेक के बाद अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ फिजिक्स। एंड ये वाला चैनल नीट कोटा फिजिक्स मैम ने मुझे सजेस्ट किया था, मेरी मेंटर ने, आप लोगों को तो पता है कि मैंने पीसीबी पॉइंट मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया है। सो मैम ने मुझे सजेस्ट किया था इससे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो अभी मैं सरफेस वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ फ्लूइड के, एंड काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। फ्लूइड वाला चैप्टर भी मैंने रिवाइज नहीं किया है बट मुझे कुछ फॉर्मूला आते हैं उसके, इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन तो अभी इनके सॉल्व करूँगी एंड उसके बाद फिर घर ही जाऊँगी, बिकॉज अब इसके बाद टाइम हो जाएगा, काफ़ी लॉन्ग लेक्चर है। सो फ्रेंड्स, आप लोग बताना कि आप लोग कहाँ कहाँ से अभी पढ़ रहे हो एंड आपके कौन से फेवरेट टीचर, कौन सी फेवरेट सीरीज़ अभी चल रही है जहाँ से आप पढ़ रहे हो, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। एंड लास्ट टाइम आप लोग ने बताया था एंड मैंने उसे रिव्यू भी किया था, सीप मैम से तो मैं ऑलरेडी पढ़ती हूँ, नितेश सर से भी मैंने कुछ चैप्टर्स पढ़ रखे हैं तो काफ़ी अच्छे उसमें भी क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आप लोग वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको जिसके समझ आ रहा है उससे प्रैक्टिस करो बट क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करो। फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 8:13 और मैं जा रही हूँ घर एंड ये ब्लॉग भी मैं यहीं पर रैपअप करूँगी। सो फ्रेंड्स, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी मैं जा रही हूँ घर और मैंने अपनी बहन के लिए चाउमीन भी पैक करा लिया है, बिकॉज आज उसका जेई का एग्ज़ाम था एंड वो एग्ज़ाम देके ही काफ़ी अच्छा उसका पेपर था, तो उसके लिए चाउमीन पैक कराई है।